देखो द्विघाती बहुपद दिया हो हमें एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री के शून्य ज्ञात करना है। शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध हमें स्थापित करना है। तो जो बहुपद हमें दिया गया है ना, जो बहुपद हमें दिया है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री, ये बहुपद हमें दिया है। अब ये द्विघाती बहुपद है, इस बहुपद का मतलब मानक रूप हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका मानक रूप हो जाएगा आपका, इसका मानक रूप हम लिखेंगे जीरो एक्स माइनस थ्री, एक्स स्क्वेयर प्लस जीरो एक्स माइनस थ्री, ये मानक रूप हो गया, ठीक है ना, ये इसका मानक रूप हो गया। अब यहां से इस बहुपद की जब हम एक मानक बहुपद से तुलना करते हैं, एक मानक बहुपद से जब हम उसकी तुलना करेंगे तो a बराबर 1 मिलेगा, b बराबर 0 मिलेगा और c बराबर आपको माइनस के 3 मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने इसके गुणांक निकाल लिए और अचर पद भी निकाल लिया, ठीक है। अब हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं पहले। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हमें पी एक्स बराबर कितना रखना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि शून्य की परिभाषा यही है कि एक्स का वह मान जो बहुपद को जीरो जीरो के बराबर कर दे, है ना। तो पी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू थ्री, है ना। ये माइनस के तीन उधर जाएंगे तो माइनस के तीन उधर गए तो प्लस के थ्री हो गए, तो एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री, है ना। तो अब रूट लग गया, तो रूट के बाहर जब भी कोई चीज निकलती है तो प्लस और माइनस दो चीजें लगती है, प्लस माइनस रूट थ्री, प्लस माइनस रूट थ्री। चलो अब यहां एक्स के दो मान आ गए आपके पास, है ना। यहाँ पे एक्स की दो वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू प्लस के रूट तीन और एक्स इज इक्वल टू माइनस के रूट तीन। तो अल्फा इज इक्वल टू आप मान लो रूट तीन, अल्फा इज इक्वल रूट तीन एंड बीटा इज इक्वल मान लो माइनस रूट तीन। चलो अब आप देख रहे हैं कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटे ए, ठीक है। एम्प्लाइज दैट अब बी इज रूट तीन, सी इज अल्फा इज रूट थ्री एंड बीटा बीटा इज माइनस रूट थ्री एंड माइनस बी कितना है, बी जीरो और ए कितना है एक, तो ये कट गया तो जीरो बराबर जीरो आ गया, ठीक है। तो ये भी हमारा एल एच एस बराबर, यहां पे हम लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है ना। अगर हम गुणनफल की बात करें, किसकी बात करें, गुणनफल की, तो देखो अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, सी बटे ए, सी बटे ए, अल्फा कितना रूट तीन, है ना, और बीटा कितना है रूट तीन, बराबर कितना सी कितना माइनस तीन, है ना, सॉरी ये वाला माइनस का है, ये माइनस का रूट तीन है ना, बटे में एक, एम्प्लाइज डेट रूट तीन रूट तीन, तो बाहर का तीन मगर ये माइनस का, तो ये माइनस लग गया बराबर माइनस थी। तो देखो ये भी बराबर हो गया। इस तरीके से कभी कभी सवाल इस तरीके से भी दिया जाता है जिसमें एक्स गायब होता है, तो निये मतलब जीरो एक्स में, वहां पे जीरो एक्स है, फिर उसके बाद ए का वैल्यू निकाला, बी का निकाला, सी का निकाला और फिर जो गुणांक हो गए और हमने सूत्र में मान रख के देख लिया कि भाई एल एच एस बराबर आर एच एस है।